मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह यूपी बोर्ड यूपीएमएसपी की जो साइट पर डला हुआ पेपर है, यही पेपर है और ऐसा ही पेपर आएगा परीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह बदल सकते हैं, लेकिन पेपर इसी पैटर्न पर आने वाला है। ठीक है, तो चलिएगा पेपर को हम सॉल्व करते हैं। तो टाइम भी दिया गया है, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क जो हैं वो भी दिए गए हैं, और निर्देश जो हैं कि पहले 15 मिनट आपको पढ़ना है पेपर को। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दीज क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपने अनेक पेपर भी दिए हैं अभी, ठीक है, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ता हूँ सीधे। अब यहाँ पर दिया गया पार्ट ए, पार्ट ए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर का आने वाला है पार्ट ए। तो ए ओ में ओ एम आर सीट पर आपको फिल करना है, बिल्कुल सही होना चाहिए ओ एम आर सीट पर। ठीक है, तो देखिएगा कि रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ लिखा है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, यानी कि हम सभी को सीखने के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम आर अलाइक, यानी कि सभी मामलों में अत्यधिकता दो एक जैसे होते हैं। ठीक है, सभी मैटर अत्यधिकता एक जैसे होते हैं। द एक्सटर्म पॉजिटिव एंड एक्सटर्म निगेटिव और ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, अत्यधिक पॉजिटिव या अत्यधिक निगेटिव हमेशा एक जैसे ही होते हैं। वेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, जब प्रकाश का वाइब्रेशन बहुत स्लो होता है, वी डू नॉट सी देम, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। जैसे कभी आपने देखा हो कि लाइट स्लो है, हम नहीं देख पाते हैं। नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, रैपिड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा तेज। ठीक है ना, तो जब बहुत तेज भी होते हैं तो भी हम नहीं देख पाते हैं। सो विथ साउंड व्हेन वेरी स्लो, तो जब साउंड बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इन विच वी डू नॉट हियर इट, हम नहीं सुन पाते हैं। व्हेन वेरी हाई, जब बहुत हाई होता है, तो वी नॉट हियर इट आइदर, तब भी हम नहीं सुन पाते हैं। मतलब ज़्यादा स्लो आवाज़ है तो भी हम नहीं सुन पाते हैं, और बहुत तेज आवाज़ है तो भी हम नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, और लाइक नेचर इज डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस, यानी कि जो प्राकृतिक डिफरेंस होता है, तो प्रतिरोध और प्रतिकूल के बीच में होता है। वन मैन डज नॉट रेसिस्ट, कोई भी आदमी इसका विरोध नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि ही इज वीक लेजी, क्योंकि वह कमज़ोर और आलसी होता है, एंड कैन नॉट, यह हो सकता है। द अदर मैन नो, अन्य आदमी जानते भी हैं। ठीक है, अन्य आदमी, अब देखते हैं, द अदर मैन नो दैट ही कैन स्ट्राइक एंड इरिसिस्टिबल बिलो इफ ही लाइक्स, एट ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेसेज हिज इनिमीज। द वीक हु शोज नॉन रेसिस्टेंस इज ऑपरेस्ड व्हाइल द स्ट्रोंगर वन कमिट अ सिन इफ ही अफोर्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा, अब हमें इसके कुछ जो क्वेश्चन आंसर हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक हैं। तो चलिएगा पहला नंबर हम यहाँ से क्लियर करेंगे, हमें क्या पता चलता है, कर पाते हैं या नहीं देखते हैं। वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, तो हम साउंड सुनने में अनेबल होते हैं, असक्षम होते हैं, असमर्थ होते हैं, यदि क्या इट इज टू लो, या बहुत ज़्यादा लो हो, या इट इज टू हाई, या बहुत ज़्यादा हाई हो, इट इज़ टू नॉइजी, या बहुत ज़्यादा शोर करे, या ए एंड बी दोनों। तो कौन सही है, ए और बी दोनों, क्योंकि स्लो भी होता है तब भी हम नहीं सुन पाते हैं, और हाई होता है तब भी हम नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि अभी हमने ऐसा पढ़ा है। ठीक है, चलिएगा, तो हमारी पहली जो बोहनी है सही हो गई है, हमारी बोहनी जो है 1 नंबर से हो गई है, हमें 1 नंबर मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
द टू एक्सटेम्स और अलाइक मीन्स, यानी इसका मतलब क्या होता है कि दोनों अत्यधिकताएँ एक जैसी होती हैं, क्या है? तो इसका मतलब है वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, यानी कि हम दोनों सिचुएशन में एक जैसा ही परिणाम पाते हैं। इसका उत्तर हमने अभी देखा है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, तो स्लो का अपोजिट क्या है, यानी कि बिलोंग। तो अभी आपने देखा है पैसेज में ही बताना है कि रिसिस्ट है, रैपिड है, लेजी है। तो रैपिड मीन्स होता है बहुत तेज, अभी आपने पैसेज में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तीन नंबर हमारे यहाँ पर कन्फर्म हो गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब चार से आठ नंबर, यानी कि यहाँ पर हमें देखना है चार नंबर कैसे हम यहाँ प्राप्त करें, देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोविंग, निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सही आंसर को चुनिएगा। देखिए आई खाली जगह है, देयर विथ माई पेरेंट्स, तो मैं अपने माता पिता के साथ क्या भरेंगे, विल गो, जाऊंगा, ये भी सही है। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, तो ये भी भैया सही है। आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ गया, विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, तो ये भी सही है। अब दिया गया है डी में ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चार नंबर बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि तुम नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो यू आर, तुम हो, तुम क्या हो। अब इसमें आपको यानी कि जिज्ञासु, अब जिज्ञासु का मतलब होता है क्यूरियस, यानी कि आप क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं, ठीक है। नई चीज़ों के बारे में जानने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। अब दिया गया है रीअरेंज द फॉलोविंग वर्ड, तो इसका हमें रीऑर्डरिंग करना है, क्या करना है, रीऑर्डरिंग। तो इसमें हम पढ़ेंगे लव माई टू शेयर ट्वाइज ब्रदर हिज। अब देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, तो माई ब्रदर, क्या, माई ब्रदर, ठीक है, चलिएगा। तो माई ब्रदर किस में आया, यानी कि सी नंबर में आ रहा है। लव्स पसंद करता है, टू शेयर बांटना, हिज टॉयज अपने खिलौने, यानी सी बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है। छः नंबर हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब हम सात के लिए बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोविंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड का मतलब है कौन सा यहाँ पर जो वाक्य शब्द है वो गलत हो चुका है। देखें मीनिंग में, एक्यूटेंस, एक्सेप्टेंस, अटेंडेंस, अवेंडेंस, देखो सभी की मीनिंग में देखो कैसे बारीकी पकड़ें। तो सभी में देखो डी के बाद क्या लगा है, ए एंस, ए एन सी, ए एन सी, सब में लिखा ए एन सी ई, ए सब में लिखा है, लेकिन अवेंडेंस पहला नंबर आप देख रहे हो ना, इसमें ई है, ई एन सी ई, तो यानी पहला वाला ही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपका ये सही है। आगे, ही जम्पड, खाली जगह है द वेल टू सेव द ड्रॉइंग गर्ल, यानी डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वह कुएं में कूद गया, तो क्या लगेगा, इनटू, जो तो आपने कई बार पढ़ा होगा, इसमें इनटू लगेगा। यानी कि अभी तक हमारे आठ नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गए बेटा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा नौ से दस में इसको हमें पढ़ना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ थ्री बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ वाई द फादर बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, लाइकली मिस्टर किसिंग टू टुक द जोक द राइट अवे, ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज अवन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असिंग एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो यहाँ पर देखिएगा इन एनी पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान समलाइज, किससे मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर यानी कि आपको किताब अगर आपने पढ़ी है, इसके आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है।
अब अगला देखेंगे, मिस्टर किसिंग हैज असेंट एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, तो ये आपकी किताब से है और किताब आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे 13, 11 और 13, तो हम लोग देख चुके हैं अभी। अब यह किताब से दिया गया मंडेला पास्ट खाली जगह ईयर इन जेल, तो मंडेला ने कितने साल जेल में व्यतीत किए, तो ये भी आपको किताब से दिया गया है, बिल्कुल पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप देखिए अभी भी, महाशीर इजा फाउंड इन कूर्ज, तो क्या है, क्या अ लार्ज फिश वाटर फिश, ए स्मॉल फिश वाटर क्रिएचर, अ स्मॉल ब्रेक्सिस वाटर, अ लार्ज ब्रेक्सिस वाटर क्रिएचर, तो आपको पता महाशीर जो है क्या है जी, ठीक, कौन सी मछली है जी, तो बेटा किताब से बिल्कुल आपको क्लियर करके चलना है। आगे द बस कंडक्टर वाज अ मैन, कौन सा मैन था, रूड था, जॉली था, सेल्फिश था या स्ट्रेंज था, क्या था, ठीक है। 14 से 15 हमें देखना है बेटा कि रीड द गिविंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्जर अमांडा, स्टॉप डस्ट स्ट्रेकिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, इसके हमें क्वेश्चन देखना है, यानी कि 14-15 दो नंबर के आए हैं पोएम से। तो हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन, इस लाइन में स्पीकर कौन है, कौन बोल रहा है, तो अमांडा अपने लिए तो बोलेगी नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है उसके मित्र बोलेंगे नहीं, नेबर बोलेंगे नहीं, अमांडा बोलेगी नहीं, तो क्या सही है ये आपको पता होना चाहिए। आगे द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, तो स्पीकर कैसे बोल रहा है, अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, अमांडा रिमेंस अनटिडी, तो क्या है, किताब से आपको बिल्कुल हमने बताया ना, अच्छे से बेटा पढ़ के जाना है किताब। आगे इट वाज अ 16 से 20 देखेंगे, इट वाज अ ट्रम्पेशन टू कीप टर्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, तो क्या है, टर्की एक परमानेंट था क्यों, मिस्टर पम्फ्री डिड नॉट वांट टर्की बैक, तो मिसेज पम्फ्री नहीं चाहती थी कि टर्की वापस आ जाए, टर्की डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, टर्की प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं करता था, टर्की वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, टर्की जल्दी सही नहीं हो रहा था, मिसेज पम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल दैट द डॉक्टर एंजॉय, तो मिसेज पम्फ्री बहुत ज़्यादा खाने योग्य चीज़ें भेजती थी जिसका डॉक्टर बहुत मजा लेती थी, तो बताइए क्या सही है। बेटा अगर कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वह समस्या होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तैयारी करी है और फिर भी समस्या है तो ज़रूर बताएं। अनिल टॉट हरी सिंह टू, तो अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया, कुक एंड राइट, खाना बनाना और लिखना, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, खाना बनाना लिखना और नंबर जोड़ना, या सी केवल लिखना और कुक एंड ऐड नंबर, क्या। द बुक गिफ्टेड टू एवराइट्स बाय हिज मदर, तो इसमें आपको बताना है। आगे दिया गया है अंतिम क्वेश्चन है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, तो क्या है, ये आपको किताब से ही दिया गया है। भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया बिकॉज, क्योंकि, तो ये भी आपको किताब से ही देना है आंसर। आगे बेटा बढ़ते हैं पार्ट बी, पार्ट बी में हमें देखना है, ठीक है, पार्ट बी अब 50 नंबर का आ रहा, 20 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है, तो देखिएगा, व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, व्हाट इम्प्रेसेज अस द मोस्ट इज इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस, ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट कम टू बी देयर, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस इन 1869, इस कल्पचर फ्रेडरिक अगस्त
Bartholdi began to plan his concept for the monument. Bartholdi envisioned Liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddesses, यानी देवी देवता of the past, but also the working men and women of the present. Finally, in 1884, the work was finished and Liberty was pegged into 2014 carats and sent to New York City. But there was no problem. While the French had raised a lot of funds to build the statue, New York had not secured the fund to build its foundation. It was not still a New York newspaper. Implored people of donations that money become available. Finally, on 28th October 1886, Americans celebrated the unveiling of Statue of Liberty. तो यहाँ पर आपको देखना है प्रश्नों के उत्तर. तो मैंने आपको उसको हिंदी का अर्थ नहीं बताया है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अपने हिसाब से ही लिखना है. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? Whom does the Statue of Liberty represent? किन के लिए थी? तो आप लिख सकते हैं फ्रांस वगैरह के लिए. किसके लिए थी? फ्रांस वगैरह के लिए. फ्रांस लिखा होगा, देखो द स्टेच्यू यहां से लिख सकते हैं यहां तक. ठीक है, इंडिपेंडेंस तक दो नंबर आपको क्लियर मिल जाएंगे. आगे व्हाट इज मीन्ट बाय द अंडरलाइन पोर्शन. अंडरलाइन पोर्शन का क्या मतलब है? तो अंडरलाइन जो पोर्शन दिया गया है कि लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू, यहाँ 24 है केवल शायद कैरेट, क्योंकि कैरेट जो सोने की शुद्धता 24. लिबर्टी वाज, लिबर्टी यानी आज़ादी. तो आप लिख सकते इसका मतलब है कि न्यूयॉर्क आज़ाद हो गया था. तो आप लिख सकते हैं लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 24 कैरेट्स मीन्स इट वाज फ्रीड. ऐसे अपने मन से लिखेंगे इट वाज फ्रीड. इट वाज फ्रीड या स्वतंत्र कर दिया गया था या स्वतंत्र हो गया था, ऐसे. ठीक है, दो नंबर आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएंगे. चलिएगा आगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन दिया गया है हाउ डिड अमेरिकन कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू. कैसे उन लोगों ने मनी इकट्ठा किया? ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं आपने पढ़ा भी है कि इन लोगों ने फंड वगैरह इकट्ठा किया. क्या किया? कि वाइल द फ्रेंच हैड रेज्ड अ लॉट ऑफ फंड, देखो इस तरीका से. ठीक है, यहाँ तक फाउंडेशन. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. आगे दिया गया है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्ट रिक्वेस्टेड. रिक्वेस्टेड का क्या मतलब है यहाँ पर? क्या रिक्वेस्टेड यानी कि यहाँ पर विनती वगैरह का क्या अर्थ है? तो यानी कौन सा शब्द इसमें दिया गया है जिसका मतलब विनती वगैरह है, हाथ जोड़ना वगैरह है. ठीक है, तो क्या है? रिक्वेस्टेड है. तो आप थोड़ी बताएं, आपने पढ़ा भी होगा इसमें. ठीक है, इम्प्रेस्ड तो हो नहीं सकता है, क्रिया ही होगी, वर्ब. देख ले थोड़ी. ठीक है, अब है राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम. तो अपने भाई को एक पत्र लिखना है. तो आपको लिखना है पता, तुम्हें पता इस तरफ आपको पता डालना पड़ता है. ठीक है, यहाँ लिखिएगा माई डियर ब्रदर. माई डियर ब्रदर आप लिखें मैं यहाँ ठीक हूँ, आई एम वेल हेयर एंड आई होप, और मैं आशा करता हूँ यू विल बी वेल देयर, आप भी वहाँ ठीक होंगे. ठीक है, अब बताएंगे आप कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, आई एम अलोन हेयर, आई एम और आई मिस यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ. ठीक है ना, इस तरीका से आप लिखें मैं वहाँ आपको बहुत याद कर रहा हूँ. ठीक है, एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है ना,
मैं आपके साथ खेलता था, आई प्लेड विद यू, मैं आपके साथ घूमता था, आई वॉक्ड विद यू, बट लेकिन अब मैं अकेला हूँ, नाउ आई एम अलोन। ठीक है, आशा करता हूँ आप जल्दी आ जाएं, आई होप यू कम सून, ऐसे लिख रहे हैं। फिर नीचे लिखें विथ रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, ठीक है ना, एंड मच लव टू यू, ऐसे लिख दें। नीचे योर लविंग ब्रदर लिख दें, या जे ना बने तो जे लिख लो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, कंप्लेन, शिकायत करना है दैट वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। तो प्रिंसिपल को लिखना है कि वाटर टैंक हैं जो पानी की टंकी हैं उनको अच्छे से साफ नहीं किया गया है, इस पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी लगी है उसके बारे में आप प्रदर्शनी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना, चलिएगा। और अगर ये नहीं बनता है तो यहाँ पर एक निबंध भी दिया गया, देखो लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है ना देखें, टेकिंग क्लू फ्रॉम इट, इससे आपको क्लू लेना है, एंड राइट एन एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट की आपको लाभ और हानि लिखना है। ठीक है, यानी कि जैसे मोबाइल का प्रयोग और दुरुपयोग लिखवाया है ना उसी तरीके। ठीक है, अब ग्रामर पोर्शन में आप आ जाइए, ग्रामर पोर्शन में बढ़ेंगे तो री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो किरण सेड टू हर मदर, किरण ने अपनी मम्मी से कहा प्लीज अलाउ मी टू प्ले। तो यहाँ देखो सेट कायम बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में, कॉमा की जगह क्या हो जाएगा टू, प्लीज हट जाएगा, अलाउ किरण के अनुसार मी का क्या हो जाएगा हर, टू प्ले, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले, ऐसे। अब आगे दिया गया है चेंज द फॉलोविंग इनटू पैसिव वॉइस, आई नो यू वेरी वेल, कई बार ये आया भी है, तो ये बन जाएगा यू आर नोन, यू आर नोन, फिर वेरी वेल और टू मी जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा टू मी, इस तरीका से। ठीक है, बाई की जगह टू लगेगा। पंचुएशन है द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर, ठीक है ना, तो गार्डनर का द कैपिटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा द कैपिटल हो जाएगा, तो द कैपिटल करिए, गार्डनर सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू, और डू का डी कैपिटल हो जाएगा, टच द फ्लावर फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा बंद है ऐसे। अब है स्टोरी, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, तो कल सुबह यानी कि आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी, ठीक है, एस्टरडे मॉर्निंग, आई यानी कि मैं चाहता था, वांटेड जाना टू गो पुस्तकालय लाइब्रेरी, एस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी, उसी समय यानी कि दैट टाइम मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, ठीक है, तो मेरा एक मित्र माई फ्रेंड केम यानी आ गया टू मीट मी, मुझसे मिल ले, ठीक है। आगे हम शाम तक साथ रहे, तो बी वी बर, बी बर विथ टूगेदर टिल इवनिंग, मित्र से मिलकर मैं खुश था, आई वाज हैप्पी, मैं खुश था, मित्र से मिलकर टू मीट माई फ्रेंड या टू मीट फ्रेंड, किंतु बट पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ, तो बट आई वाज सैड नॉट टू गो टू लाइब्रेरी, इस तरीका से बनाए। अब लिटरेचर में बेटा देख लो, इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को पढ़ के भी जाना है लिटरेचर में, ठीक है, इसको पढ़ के जाना है क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। मेंटेन वैराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, तो गोवा में जो ब्रेड का वैरायटी है उसको आपको लिखना है, ठीक है, या हु वाज एनी फ्रेंक कौन थी, ठीक है, वेयर डिड सी राइट हर डायरी, उसने अपनी डायरी कहाँ लिखी, इसको भी आप लिख सकते हैं, या ये ना बने तो अगला, वो सॉरी बनना ही चाहिए दो में से एक, तो दूसरा में हाउ डिड बल्ली
सेव मनी फ्रॉम द बस टिकट। तो बस टिकट से बल्ली ने कैसे धन बचाया? अगर ये नहीं बनता है तो व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाइज, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे अगर हम पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, व्हाट लेसन डिड कीसा गोमती लर्न इन द एंड, इसको बेटा याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। या हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, अब इसमें जो दिया गया है देखो, तो इसको सातवें नंबर में भी आप देख लें। ठीक है, तो इसमें सातवें नंबर में राइट अ फोर लाइन पोएम, चार लाइन ही कविता है, याद करके जाना अच्छे से। राइट द सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया मैं बता दूं आपको, फायर एंड आइस पर ही देख लेना, जहां तक यही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलो, एक का देना है आंसर। व्हाट डिड डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, ट्रिकी की बला आ गया ना, इम्पोर्टेंट है। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब लॉन्ग आंसर, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट टू लॉस्ट द नेकलेस, तो इसमें से भोली वाला भी याद कर लेना। ठीक है, चलिएगा पढ़िएगा, कोई दिक्कत है जरूर बताएं। ठीक है, मैं दूसरा सेट बहुत ही जल्द आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद।